पुलिस क्या मानती है और किन पहलुओं की जांच कर रहा है? कल सिविल लाइन थाने से एक एम यू के पूर्व स्टूडेंट असमा जावेद का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के उसका मृत्यु होना पाया गया है। हम विभिन्न पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं कि उनके यहाँ कुछ क्लूज हमें मिले हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस केस वर्क आउट हो जाएगा। इस लड़की का जो है ब्लैकमेलिंग का भी इतिहास सामने निकल कर है। पहले प्रोफेसर, फिर होटल मालिक और भी रेल कर्मियों के खिलाफ इसने FIR कराई, तो क्या मानते हैं सर आप इसको? अभी तक फिलहाल पुलिस को कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है कि, लेकिन हम विवेचना में सारी चीज़ सम्मिलित करके ही देखेंगे और असली जो मुलजिम है उसको हम निकालेंगे और वो जेल जाएगा। परिजनों ने एक रेस्टोरेंट मालिक के आरोप लगाया है, तो उस दिशा में क्या मतलब तफ्तीश चल रही है? तफ्तीश में हम सारे पहलुओं को देखेंगे। अभी जो असली मुलजिम है, जब तक वो प्रकाश में नहीं आएगा तब तक हम सारे पहलुओं पर जांच करेंगे। जो जावेद है वो तो साथ में रहता भी है, सुबह से लेकर शाम तक रहता है। वो 400 रुपये मांग रहा था। शर्म सभी का और यही है जो यहाँ वकील साहब के आए हैं, बाइस कर रहा हूँ सर। चल फिर। अरे अब तो आ रहा है भाई। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, नहीं आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा तो मना करना, बोले मैं तो पास ही तो प्रेम में बैठे हैं गर्मी में, तो भैया करना मुझे भले कहीं उत्तर फटे होंगे उसके साथ।